सो हेलो हाय हाउ आर यू ऑल गाइस, आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे हैं और सब कुछ बहुत अच्छा भी चल रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो क्लास में हम लोग कुछ फिजिक्स के ठीक है कॉन्सेप्ट्स को देखने वाले हैं। और क्लास कौन सा है, क्लास हम लोगों का 12th और NCERT की किताब हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और चैप्टर हम लोग कौन सा है, चैप्टर पहला ही चल रहा है अभी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम लोग यहाँ पर कुछ और आगे कहानी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है और लगभग क्या क्या चीज़ें अभी देखना है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर यहाँ तक 10 पॉइंट तक देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद तो हम लोगों का ये रहा। आज मेरे ख्याल से हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में और डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये देखने वाले हैं दो टॉपिक को, और ये बचे हुए 3 टॉपिक जो दिख रहे हैं ठीक है इसके बारे में इसके अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देर किए इसमें अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि टॉपिक हम लोगों का दिख रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक डायपोल को समझ लें। डायपोल का मने होता क्या है, डायपोल मने क्या, जैसे कि डाई मने टू। ठीक है, तो जहाँ भी टू पोल हो जाए, जैसे कि आप देखे होंगे सड़कों पर एक इस तरीके का पोल लगा होता है ना, और यहाँ पे खूब इस तरीके से वायर को ले जाया जाता है। तो इसको पोल क्यों कहते हैं, है ना, समझने वाली बात है कि नहीं। इसको पोल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दो टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है एक ये टर्मिनल है। जैसे हम लोगों की अर्थ हो जाए ठीक है, तो अर्थ में भी एक नॉर्थ पोल हो जाता है और एक कौन सा पोल हो जाता है, साउथ पोल हो जाता है। इसलिए अर्थ भी कैसी होगी, डायपोल होगी। तो डायपोल माने क्या, जिसमें दो टर्मिनल हो, एक पॉइंट एंड हो और एक दूसरा बिगनिंग हो। इस तरीके की जहाँ पे चीज़ें पाई जाएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, डायपोल कहेंगे। तो क्योंकि बात कही जा रही है इलेक्ट्रिक डायपोल की, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब है कि एक चार्ज पॉजिटिव हो जाए और दूसरा चार्ज नेगेटिव हो जाए किसी भी सिस्टम में। ठीक है, एक चार्ज पॉजिटिव हो, दूसरा चार्ज नेगेटिव हो, जैसे कि ये प्लस क्यू हो जाए और ये माइनस क्यू हो जाए। तो इस सिस्टम में जहाँ पर दो चार्ज एक पॉजिटिव और नेगेटिव पाए जा रहे हैं, इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके हम लोग इसको इलेक्ट्रिक डायपोल बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ अभी हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल प्लेन कहें या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस वाले डेरिवेशन को देखते हैं। डेरिवेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, छोटा मोटा ही डेरिवेशन है। ठीक है, तो समझिए इस तरीके से, मान लीजिए कि ये हम लोगों का एक चार्ज है यहाँ पर और एक चार्ज है यहाँ पर। ठीक है, ये रहा पॉजिटिव क्यू, ठीक है, और ये रहा नेगेटिव क्यू। और एक्सिस का मतलब होता है कि चार्ज के स्ट्रेट लाइन में या फिर चार्ज के एक्सियल लाइन में। तो चलिए मान लेते हैं कि हम लोगों को इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करना है। ठीक है, ये पॉइंट पर। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ से जो पॉजिटिव और नेगेटिव के जो बीच की डिस्टेंस है ठीक है, इसको हम लोगों ने मान लिया 2a, आप चाहें तो इसको d भी मान सकते हैं। और ये रहा इसका डायपोल का या फिर इस सिस्टम का सेंटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आप मुझे बताएं, तो a हो जाएगी। और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस भी a हो जाएगी। ठीक है, आसान है, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक, वैसे जहाँ पे कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप उस बारे में वहाँ पर अपनी राय दे सकते हैं। ठीक, अच्छा, और चीज़ देखें, यहाँ जो पॉइंट दिख रहा है ठीक है, और ये जो सेंटर दिख रहा है, इस सेंटर से और इस पॉइंट के जो बीच की डिस्टेंस है ठीक है, इसको हम लोग आर से दिखाते हैं। ठीक, तो आप मुझे एक बात बताइए कि ये वाली पॉइंट या डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस कितनी है, आर है। ठीक, और ये वाली डिस्टेंस कितनी, ए है। तो आर में से यदि ए को माइनस करें तो ये वाली डिस्टेंस तो हमें मिली जाएगी, है ना, ये वाली छोटी वाली डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, आर माइनस ए। उसी तरह से इस पॉइंट पर ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है आप देखें, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, आर है। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी, ए। तो इन दोनों को कंबाइन कर लिया जाए तो पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो हो गई वो कितनी हो गई, आर प्लस ए हो गई है। ठीक है, अब एक चीज़ समझते हैं, इस पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखा, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसको भगाएगा, यानी इधर की तरफ लगाएगा। चलिए इसको हम लोगों ने ई1 मान लिया। ठीक है, आ रही बात समझ में। ठीक है,
यानी कि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर हम लोगों ने एक छोटा क्यू नॉट को रखा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि इस क्यू नॉट पर लगने वाला फोर्स इसकी वजह से माइनस क्यू की वजह से कहाँ होगा, इधर की तरफ होगा, ठीक है। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, इधर की तरफ होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बातें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए इसको हम लोगों ने कितना मान लिया, ई टू मान लिया। देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट पर, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है जिसको हम लोगों ने E2 कहा, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इधर जिसको हम लोगों ने E1 कहा, और इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन होगा यानी कि जो हम लोगों का E नेट यहाँ पर पता करना होगा, तो वो E1 प्लस E2 जो वेक्टर एडिशन किया जाएगा तो वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है इस पॉइंट पर या फिर इस पॉइंट पर, ठीक है। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं? तो चलिए अब इसको कैलकुलेट करना हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग E1 देखें तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, या फिर इसके साइड के स्क्वायर कहें। तो यहाँ पे जो R की वैल्यू है वो है कितनी, R माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, R माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से जो E2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, के क्यू टू सॉरी के क्यू, और यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की जो डायरेक्ट लेंथ है वो कितनी है, आर प्लस ए। तो ये कितना हो गया, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि दोनों ही वेक्टर, ये दोनों ही वेक्टर कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। सपोज़ करिए कि इस पॉइंट पर एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, तो जो नेट फोर्स आएगा इन दोनों का, जो रिजल्टेंट आएगा वो किसी बड़े में से छोटे वाले को तो माइनस करना पड़ेगा, है ना। जैसे मैं कहूँ कि इधर F1 लग रहा है, ठीक है, और वो लग रहा है 10 न्यूटन का, और इधर F2 लग रहा है 5 न्यूटन का इस पॉइंट पर, और मैं पूछूँ कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो कितना आएगा, तो आप सीधे बता सकते हैं कि इधर यदि 10 न्यूटन लगा और इधर 5 न्यूटन लगा तो रिजल्टेंट यहाँ पर लगेगा कितना, 5 न्यूटन, और वो भी किधर की तरफ, इधर की तरफ लगेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। तो ठीक है, आगे थोड़ा हम लोग बढ़ाएं कहानी को। तो जो ई नेट दिखेगा हम लोगों को वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 वेक्टर, ठीक है, प्लस E2 वेक्टर का रिजल्टेंट। तो यहाँ पे जब मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है, तो एक बड़े में से छोटे वाले को माइनस करना पड़ेगा। तो आप देख के मुझे बताइए कि ये इक्वेशन वन और इक्वेशन टू में कौन सी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बड़ी है। तो ऑब्वियसली आप देखें तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर दिख रहा है, ठीक है, डिनोमिनेटर जितना कम होगा उतना ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को कैसा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ज़्यादा है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, E1 माइनस E2 को यहाँ पर करना है, ठीक है। तो ये हम लोगों का कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करें, इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले तो के क्यू कॉमन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या मिल गया, वन अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस वन अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अच्छा, अब देखिए हम लोगों को करना क्या है, ठीक है, ये जो पूरा वैल्यू दिख रहा है ना इसी को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। आप छोटे बच्चों की क्लास में मैथ वगैरह में इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका बताया जाता है, तो आप वहाँ से भी इस चीज़ को समझ सकते होंगे। चलिए आगे इसमें बढ़ाते हैं कहानी। तो के क्यू हो गया, ठीक है, और के क्यू हो गया, और उसके बाद इस पूरे ब्रैकेट को हम लोग देखें तो ये आर माइनस ए का होल स्क्वायर और ये आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या मिलेगा, हम लोगों को ऊपर मिल जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, मेरे ख्याल से बातें समझ में आ रही होंगी। अब मैं इन धर की बातों को, इन सारी बातों को मिटा देता हूँ, ठीक है, बस थोड़ा सा मेरे साथ पेशेंस बनाए रखें, समझ में आएगा, ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। तो जो हम लोगों का ई नेट दिख रहा है अब वो फाइनली आ चुका है कितना, के क्यू और डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये इस चीज़ को हम लोग चाहे तो ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और वापस से इसका, ठीक है, स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये जो पूरा दिख रहा है ना, ठीक है, इसको जब हम लोग पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, कर लेना, ठीक है, मैं अभी इसको बढ़ाऊंगा तो काफ़ी
आगे इसमें कहानी बढ़ेगी, ठीक है। जब इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों को कट पिट कर, ठीक है, ये जो पूरा दिख रहा है ये कट पिट कर यहाँ पे हम लोग को 4AR मिलेगा, ठीक है, मिल जाएगा। तो बस हो गया है। एक कंडीशन ऐसी दिखाई जाती है कि इफ़ आर इज़ फार ग्रेटर देन ए, ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि ये जो आर है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ए से, तो इस पूरे ए को हम लोग क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ पूरी निगलेक्ट हो गई, तो ये आर का कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है, पावर कितना हो गया, 4। तो जो ई नेट हो गया वो आप मुझे बताएं कि ये कितना हो गया, के क्यू हो गया, और ये 4R और डिवाइडेड बाई नीचे कितना, 4AR, ठीक है, 4AR, AR है ना यहाँ पे, ठीक है, और नीचे कितना हो गया, R के पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो ये R से R कैंसिल हो गया एक, तो जो ई नेट हम लोगों को मिल चुका है वो फाइनली कितना मिल गया, के क्यू, ठीक है, और 4A डिवाइडेड बाई R का क्यूब, ठीक है। इधर वाली चीज़ों को मिटा लेते हैं, अब बस फाइनल लास्ट स्टेप रह गया है, ठीक। तो देखें कि जो ई नेट है, अच्छा, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि क्यू टू, और ये इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि क्यू मल्टीप्लाइड बाई 2A, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर क्यू। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे इस चीज़ को क्या करा, थोड़ा एक्सपेंड कर लिया, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा एक्सपेंड करके इस फॉर्म में लिख लिया। तो ये जो चीज़ दिख रही है ना, ये जो पूरी चीज़ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट कहते हैं, ठीक है। तो पी से दिखाते हैं इसको फिजिक्स में, तो के हो गया और ये मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये पी हो गया और नीचे कितना हो गया, आर क्यूब हो गया, ठीक है। तो बस हो गया यही, जो हम लोगों का ई नेट आ चुका है वो कितना आ चुका है, 2KP अपॉन आर क्यूब। यही जो फाइनल इक्वेशन आया है ना, इस फाइनल इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है, इस फाइनल इक्वेशन को हम लोगों को याद करना है, ठीक है। बाकी जो बोर्ड एग्ज़ाम वाले बच्चे होंगे थोड़ा डेरिवेशन को एक आध बार वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, और ठीक है, लेकिन जो कंपटीशन के जो भी बच्चे होंगे, जो क्वेश्चन लगाया जाएगा जब हम लोग लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा डेरिवेशन याद रखेंगे तो काम आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसको एक्सपेंड करके भी दिखाना पड़ता है। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ये के इक्वल टू होता कितना है, मैंने बता ही रखा है पिछली क्लास में, के इक्वल टू होता है 1/4πε0, ठीक है। तो जो ई नेट आया जाएगा हम लोगों का, वो देखें कि 2P हो गया, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 1/4πε0 आर क्यूब, ठीक है। तो ये इसी चीज़ को हम लोगों ने इस के की जगह पर इस पूरी वैल्यू को 1/4πε0 को रख लिया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पता किया, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहें या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ों को मुझे मिटा देना चाहिए, और चलिए इसमें अब और आगे बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल प्लेन या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट। इस चीज़ को ऐसे समझते हैं, सपोज़ करिए कि ये आपका एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, और ये आपका डायपोल है, ठीक है। इस डायपोल में यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, 2A मान लेते हैं। तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, A हो गई, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं। तो अब देखिए, हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करना है, ठीक है, ये पॉइंट पर, और यहाँ से ये जो डायपोल का जो सेंटर है ये वाली डिस्टेंस कितनी है, आर है, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए कि इस पॉइंट पर यदि हम लोग क्यू नॉट को रखें तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसको रिपल्शन करेगा इधर की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है E1, चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। और यही क्यू नॉट को ये वाला नेगेटिव क्या करेगा, इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने इसको कितना मान लिया, E2 मान लिया, ठीक। अच्छा, ये वाला ट्राइंगल हम लोग इस तरीके से जोड़ लेते हैं, ठीक। तो एक चीज़ समझेंगे कि यहाँ पर वापस से जो हम लोगों का ई नेट आएगा वो E1 का वेक्टर प्लस E2 का वेक्टर का रिजल्टेंट ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, है ना, वेक्टर एडिशन के हिसाब से, ठीक है,
एक वेक्टर इधर लग रहा है, एक वेक्टर इधर लग रहा है, तो जो नेट वेक्टर रिजल्टेंट आएगा वो कितना कितना आएगा, इधर की तरफ आएगा, ठीक है, इधर की तरफ। तो अब एक चीज़ समझे कि ये जो, चलिए इस एंगल को हम लोगों ने मान लिया थीटा, ठीक है। अब एक चीज़ मुझे बताइए कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अरे ऐसे है ना, दो पैरेलल लाइन हो, ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। तो बस कहानी आगे बढ़ाएं हम लोग इसमें। तो देखिए कि इस E2 को रिजॉल्व किया जाए, ठीक है, E2 को, तो ये वाली लाइन पर, ये वाली लाइन पर आ जाएगा E2 साइन थीटा, ठीक है, और इधर क्या आएगा, E2 कॉस थीटा, ठीक है। उसी तरह से E1 को रिजॉल्व किया जाए तो ये वाली लाइन पर या डायरेक्शन में क्या आएगा, E1 साइन थीटा, ठीक है, और इधर क्या आएगा, E1 कॉस थीटा। देखिए मैं ये चीज़ बता दूँ, ये पॉइंट है, ठीक है, जैसे ये पॉइंट रहा, ठीक है, इस पॉइंट पर दो वेक्टर ऐसे लग रहे हैं, ये लग रहा है E1 और ये लग रहा है E2, ठीक है। जब इसको रिजॉल्व किया जाए, इस E2 को, तो इधर की तरफ क्या आएगा, ठीक है, इधर की तरफ आ गया हम लोगों का E2 साइन थीटा, ठीक है, तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा, E2 कॉस थीटा। उसी तरह से इस E1 को रिजॉल्व किया जाए तो इधर की तरफ क्या आ गया, E1 कॉस थीटा, और इधर की तरफ कौन आ गया, E2, सॉरी E1 साइन थीटा। देखिए क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है E1 इक्वल टू E2 इलेक्ट्रिक फील्ड का, दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि ये और ये चीज़ तो इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी E1 साइन थीटा और इधर भी E1 साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में। तो इन दोनों की वजह से इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आ जाएगा, जीरो। यानी कि जो अब बचा इलेक्ट्रिक फील्ड वो इधर ही बच रहा है, और वो भी कितना बच रहा है, E1 cos theta प्लस E2 cos theta, और E1 E2 कैसे हैं, दोनों ही कैसे हैं, बराबर है और एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। तो जो हम लोगों का अब सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें तो E net कैसा हो जाएगा, E1 cos theta, ठीक है, प्लस ये भी E2 भी कैसा है, E1 cos theta, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा तो समझ में आ ही रहा होगा, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। तो चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो फाइनली ये आ गया हम लोगों का, ये कितना आ गया, ये टू E1 cos थीटा, ठीक है, तो ये हो गया टू। अच्छा E1 को रख भी लिया जाए तो जो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, अच्छा आप मुझे एक चीज़ बताएं, ये दिख रहा है A, ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस R है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो जो हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वो कितना हो गया, के क्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर भी तो करना है, ठीक है। तो वापस से हम लोग देखें कि ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो हमें मिला कितना, यहाँ पर ये मिल गया टू के क्यू कॉस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये इतना मिल गया। अच्छा कॉस थीटा यदि हम लोगों को चाहिए इस ट्राइंगल में या फिर इस ट्राइंगल में, देखें कॉस थीटा, ठीक है, तो कॉस थीटा होता कितना है, आप मुझे खुद से बता दीजिए कि कॉस थीटा जो हो जाएगा वो हम लोगों का कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो ये जो बेस दिख रहा है ये कितना है, ए दिख रहा है, और हाइपोटेन्यूज तो यहाँ पे दिख ही रहा है, ठीक है, तो बेस कितना हो गया हम लोगों का, ए हो गया, और हाइपोटेन्यूज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, यही दिख रहा है। तो यहीं पर हम लोग कॉस थीटा की जगह इस वैल्यू को रख लें, चलिए इसको मिटा के रख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें कि यहाँ पे जो आगे कहानी बढ़ेगी वो हो जाएगा टू के, और यहाँ पे नीचे दिख रहा है आर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है, ये दिख रहा है, और ये कॉस थीटा की जगह कितना आ गया, ए डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये टू भी है यहाँ पे, ए डिवाइडेड बाई, ये हो गया हम लोगों का आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट है, यानी कि वन अपॉन टू, ठीक है, वन अपॉन टू। अब देखो क्योंकि ये वन दिख रहा है और ये वन अपॉन टू दिख रहा है, तो इसको ऐड कर लेंगे, पावर ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, थ्री बाई टू, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसको थोड़ा ऐसे लिख लें, के मल्टीप्लाइड बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई टू ए, ठीक, ठीक है, और डिवाइडेड बाई हम लोगों को कितना हो गया, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये ए है, और डिवाइडेड बाई ये पावर ऐड हुआ कितना हो गया, थ्री बाई टू।
अब वापस से एक चीज़ देखो, ये वाली चीज़ क्या आ गई, डायपोल मोमेंट दिख रहा है, ठीक है। तो जो डायपोल मोमेंट दिख रहा है, तो इधर चीज़ों को मिटा लें, ठीक है। वीडियो रिवाइंड करके देख लेना एक दो बार, डेरिवेशन खैर बोर्ड एग्ज़ाम में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसकी बहुत वैसी कोई आवश्यकता तो रह नहीं जाती है। तो जो ई नेट आएगा अब हम लोगों का, वो कितना आ जाएगा, ये आ गया के, ठीक है, और ये पी हो गया, और नीचे कितना हो गया, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, 3/2, ठीक है। अब एक कंडीशन आ जाए कि इफ़ R इज़ फार ग्रेटर देन A, ठीक है, तो आसानी से हम लोग इस A को क्या कर सकते हैं, न्यूट्रल कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये 3/2 यानी कि यहाँ पे R क्यूब मिल जाएगा। तो जो E नेट फाइनल अब हम लोगों को मिल गया, वो कितना मिल गया, KP डिवाइडेड बाई R क्यूब। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई हैं, ठीक है। यही डेरिवेशन हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा ध्यान में रखना है। तो एक चीज़ मुझे बताओ कि ये सब मिटाने के बाद मैं एक चीज़ दिखाऊँ, कि हम लोगों का अभी जो हम लोगों ने देखा था कि एक्सियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एक्सियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना था, जो ई नेट था वो कितना था भाई, 2 KP डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक है। तो देखो कि क्या ये इसका 2 times नहीं दिख रहा है, ठीक है, इक्वेटोरियल का। यहाँ पे ये KP आर क्यूब है और ये KP आर क्यूब है, लेकिन ये 2 times दिख रहा है ना। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, वो इक्वेटोरियल से कैसी है, 2 times ज़्यादा है ना, ये 2 times कैसा है, ज़्यादा है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो चलिए एक और चीज़ इसमें है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल, ठीक है। देखिए जैसे बात करें CO2 मोलिक्यूल की, तो CO2 मोलिक्यूल ऐसा कुछ होता है, और मैं बोलूँ कि यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है वो है 0, ठीक है। तो जैसे ही इस CO2 में डाइपोल मोमेंट 0 हो गया, यानी कि एक डायपोल मोमेंट इधर लग रहा है और एक डायपोल मोमेंट इधर लग रहा है, ठीक है, और दोनों ही डायपोल मोमेंट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट डायपोल यहाँ पे कितना आ गया, 0। तो किसी भी मोलिक्यूल में जब डायपोल मोमेंट 0 आ जाए, तो वो मोलिक्यूल क्या हो जाता है, नॉन पोलर, यानी कि वो पोलर नहीं है, ठीक है। उसी तरह से CH4 की बात करें, तो जो CH4 हो गया इस तरीके से, ठीक है, तो CH4 में यहाँ पर जो पी नेट आएगा, यानी डायपोल मोमेंट कैसा है, 0, तो ये भी CH4 भी कैसा हो गया, नॉन पोलर हो गया। उसी तरह से जैसे हम लोग बात करें H2O की, ठीक है, तो जो H2O का जो डायपोल मोमेंट होता है, नेट डायपोल मोमेंट, नॉट 0, तो इसलिए ये क्या है, पोलर है, ठीक है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब डायपोल मोमेंट 0, तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया, नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर, ठीक। अब जब डायपोल मोमेंट नॉट 0 है, तो वो मॉलिक्यूल कैसा हो गया, पोलर। यही हम लोगों को समझना था, ठीक है। तो चलिए इसमें एक और लास्ट पॉइंट फाइनली आज देखते हैं, डायपोल मोमेंट इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक चीज़ देखो, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, ठीक है, ये डायरेक्शन दिख रही है, तो इसका साफ मतलब है कि इधर कहीं पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, इधर कहीं नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल कर नेगेटिव की तरफ जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसमें एक डायपोल को रख लिया, ठीक है, डायपोल को रख लिया। आप देख सकते हैं कि ये वाला चार्ज कैसा है, माइनस क्यू है, ठीक है, और ये वाला चार्ज कैसा है, प्लस क्यू है, ठीक है, हम लोगों ने इसमें रख लिया है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि इसमें जो फोर्स लगेगा, ठीक है, क्योंकि इधर पॉजिटिव है चार्ज, इधर नेगेटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के लिए, ठीक है, तो अब जो इस पर चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगने वाला है, वो इस डायरेक्शन में लगने वाला है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से इस पॉजिटिव पर जो फोर्स लगने वाला है, वो इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। तो हम लोग देखें कि ये भी क्यू है और ये भी क्यू है, बस इनका ओरिएंटेशन बोलें या फिर नेचर बोले कैसा अपोजिट है, तो इसको हम लोग F1 बोले और इसको F2 बोले, ठीक है। तो इस डायपोल पर दो फोर्स F1 और F2 बराबर मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे ना, F1 - F2, ठीक है। तो इन दोनों का जो नेट वेक्टर एडिशन आएगा वो कितना आ जाएगा, 0। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि इस पूरे डायपोल पर जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स है वो कितना है, 0 है, ठीक है। एक इधर फोर्स लग रहा है, एक इधर लग रहा है, दोनों बराबर मैग्नीट्यूड में लग रहा है, इसलिए फोर्स कैसा हो गया, नेट फोर्स कैसा हो गया, 0 हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ पर टॉर्क 0 नहीं होता, ठीक है, और टॉर्क होता है कैसा है भैया, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को चलिए हम लोगों ने डी मान लिया, ठीक है। तो फोर्स इजकल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा, ठीक है,
ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, छोटा सा फॉर्मूला कहाँ से आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन क्यू, तो फोर्स इजकल टू कितना हो गया, क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई, ठीक है, क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई आ गया, एफ आ गया, ठीक है। तो यहीं पे इसको रख लिया जाए तो आगे कहानी बढ़ाए तो ये कितना हो गया, क्यू ई आ गया और ये डी डिस्टेंस आ गया। इस डी डिस्टेंस को पता करने के लिए, ठीक है, इस ट्राइंगल में साइन थीटा निकालें, तो साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, है ना। तो डी अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसको हम लोग अभी दिखाया था यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी लेंथ है वो कितनी है, टू ए, ठीक है। तो ये कितना हो गया, टू ए हो गया। तो यहाँ से जो डिस्टेंस दिख रही है ये वाली, ये कितनी हो गई, टू ए साइन थीटा, ठीक है। तो इसी में रखेंगे हम लोग इसको, तो देखो कि इसी के टाउ जो है या फिर जो टॉर्क दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग टॉर्क कह रहे हैं, टाउ से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, क्यू ई और साथ में कितना हो गया, टू ए साइन थीटा, ठीक है। अब एक चीज़ समझो कि थोड़ा सा इसको इस तरीके से भी तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये ई हो जाए और ये क्यू मल्टीप्लाइड बाई टू ए हो जाए और इधर साइन थीटा हो जाए। तो वापस ये जो ये दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डायपोल बोल सकते हैं ना भैया, डायपोल मोमेंट बोलेंगे ना। तो ये हो गया ई और ये इसको पी से दिखा दिए और ये हो गया साइन थीटा। इस साइन थीटा को हटाने के लिए, ठीक है, साइन थीटा को हटाने के लिए हम चाहें तो टाउ का वेक्टर, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी, ठीक है। तो साइन थीटा माने क्या, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट से इसको रिप्लेस कर लिया गया। तो ये देखिए कि टाउ का जो वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके आता है, डायपोल मोमेंट के बराबर आता है। तो यही वाला डेरिवेशन हम लोगों को देखना था। मैं उम्मीद करता हूँ कि डेरिवेशन समझ में आया होगा और इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो आगे तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया भाई, और कमेंट सेक्शन में बस मुझे बताते रहिए कि क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है तो कहाँ पे दिक्कत हो रही है, ठीक है, उस बारे में भी आगे कुछ बदलाव किए जाएंगे। और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, और खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक।